एंड ये फॉन्टेनल्स, छोटे बच्चे में दिस ऑल बोन्स वोंट बी फ्यूज्ड, सो उधर एक थोड़ा गैप से स्टार्टिंग में यू कैन सी, अब छोटे बच्चे को हम लोग देखे तो देयर विल बी सॉफ्ट इन द एंटीरियर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर फॉन्टेनल, इट फ्यूजेस अराउंड 18 टू 20 मंथ्स, ओके। ये पीछे का पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ओके। एंड साइड में भी आपको थोड़े फॉन्टेनल्स रहते हैं, लिटिल फॉन्टेनल्स, मेनली यू हैव ट्रेलर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। एंड स्कल बेस में यू हैव थ्री पार्ट्स, एंटीरियर क्रैनियल फॉसा, मेन क्रैनियल फॉसा, पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा। एंटीरियर क्रैनियल फॉसा में फ्रंटल लोब्स विल बी सिटिंग इन द एंटीरियर क्रैनियल फॉसा, मेन क्रैनियल फॉसा में टेम्पोरल लोब्स रहते हैं। एंड पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में यू हैव ए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। यहाँ पे ब्रेन स्टेम इसमें से जाते हैं, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, यहाँ पे सेरिबेलम स्मॉल ब्रेन फिक्स हियर, ओके। हम लोग मेनली वी हैव टू राइट अबाउट द एनाटॉमी फर्स्ट, देन वी हैव टू राइट अबाउट द डिफरेंट रेडियोग्राफिक पोजीशंस, ओके। ये हम लोग लेटरल एक्सरे में देखते तो क्या क्या देखते हैं, सो हर एक एक्सरे में बीइंग ए टेक्नीशियन आल्सो यू शुड बी एबल टू जस्ट आइडेंटिफाई द बेसिक थिंग्स, ओके। कुछ है तो यू कैन जस्ट आस्क द पेशेंट कहाँ पे मार लगा, ओके यहाँ पे हुआ, ओके क्या है, यू कैन जस्ट चेक एंड यू कैन सी कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स है, कुछ रेडियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं ये कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग है इसमें कुछ है, प्लीज चेक बोल के। सो दिस इज कॉल्ड सामने का फ्रंटल साइनस, ओके। एंड यू कैन सी दिस जॉइंट, ये मैंडिबल का जॉइंट इधर टेम्पोरल बोन में जॉइन होता है, दिस कॉल्ड टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ओके। एंड दिस सेल्स के ऐसा है ना छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक है ना, दिस इज कॉल्ड मैस्टॉइड। सो इन रेडियोग्राफी ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ ए बेसिक लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम्स ड्रॉ करके लेटरल एक्सरे ऐसा रहता है इसमें ये स्ट्रक्चर्स रहता है, यू शुड लेबल इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। इधर एक्सट्रोरेटिक कैनाल रहता है ना होल, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एक्सट्रोरेटिक कैनाल, इधर एक स्मॉल राउंड ल्यूसेंसी रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड मैंडिबल, दिस इज कंडेला प्रोसेस, रैमस, बॉडी एंड सिम्फाइसिस मेंटल बोलते हैं। एंड अपर पार्ट को मैक्सिला बोलते हैं, अपर जॉ को मैक्सिला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैंडिबल, ओके। दिस स्ट्रक्चर्स एंड एपी में भी आप क्या देखते हैं, यू सी द फ्रंटल साइनस, ऑलवेज फ्रंटल साइनस ये ऑर्बिट से डार्क रहना है, ऑर्बिट से सेम नहीं तो ज्यादा रहा तो साइनसाइटिस हो सकता बोल के वी माइट थिंक, बट वी आर नॉट श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये फ्रंटल साइनस है, दिस आर द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में आपको यू हैव टू रिमेम्बर फ्यू लाइन्स, अभी क्या है बोलते हैं ये लाइन है ना अंदर ऑर्बिट के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड, बोन अंदर का बोन हमको दिखता है, एक्चुअली इसका नाम एग्जैक्टली लाइन बोल रहे तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटो नियाटल लाइन बोलते हैं इसको, ओके। दिस इज ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड एंड ऊपर का लाइन लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड है, दिस एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इथमॉइडल साइनसेस है यार, इसके ऊपर फ्रंटल साइनसेस, दिस बोथ आर डिवाइडेड बाय द स्कल बेस, उधर क्रिस्टा गैले बोल के बोन रहता छोटा बोन, क्रिस्टा गैले, ओके। नेक्स्ट दिस आर द मैक्सिलरी साइनसेस विच आर द सॉकेट्स इन द मैक्सिलरी बोन्स, ओके। एंड नेक्स्ट कमिंग टू दिस, दिस इज द मैंडिबल, मैंडिबल ये कर्व्ड एंगल रहता ना, दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल, सामने का सिम्फाइसिस मेंटाइड, बॉडी एंगल एंड रैमस, सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। स्पाइनलसेस यू नो ऑलरेडी आई थिंक, इसमें डिफरेंट लाइन्स रहते हैं, बोथ लाइन्स यू कैन जस्ट गो एन ओवरव्यू, बट ऑर्बिटो मियाटल लाइन इज द ओनली इम्पॉर्टेंट लाइन एक्चुअली, ऑर्बिटो मियाटल लाइन, दिस इज ऑर्बिट एक्चुअली, ये आई है ना इसको ऑर्बिट बोलते हैं, मियाटस इज द एक्सट्रोनेटरी मियाटस, यहाँ से इधर एक लाइन है ना, दिस इज ओ एम एल लाइन इन बीच का सेकेंड वाला, यू कैन सी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन, यू कैन जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल दिस ग्लैबेलो मियाटल लाइन, ग्लैबेला और मियाटस को ज्वाइन होगा ना ग्लैबेलो मियाटल लाइन, ओके। और ऑर्बिट को ज्वाइन होगा ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन, ओके, इंफ्रा ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन। एंड अकैंथो मीन्स ये नोज और माउथ के बीच में स्पेस जो है इसको अकैंथस बोलते हैं, इसको और मियाटस को लाइन दिए तो दिस इज कॉल्ड अकैंथो मियाटल लाइन एंड मेंटो मियाटल लाइन, मेंटस सिम्फाइसिस मेंटो, सो देयर डिफरेंट लाइंस एंड मेनली हमको दिस ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन के बेसिस पे हम लोग बहुत एक्सरेस निकालते हैं, ओके। दिस इज सेम थिंग नाजल नेजी और ग्लैबेला बोल के डिफरेंट पार्ट्स है, नेजियन इज अ पार्ट वेयर द नेजल बोन एंड फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स द ग्लैबेला, उसको ऊपर मिड लाइन पॉइंट को ग्लैबेला बोलते हैं, ये बोनी पॉइंट को, ओके। एंड एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस इज अ पोस्टीरियर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, हमको ऐसा टच करे तो
मिड लाइन में दिखता ना, दिस इज कॉल्ड एक्सोनेटरी प्रोट्रूडर्स. ओके, एंड आवर एक लाइन यू हैव टू रिमेम्बर इज द मिड सैजिटल प्लेन. सो ओनली टू थिंग्स हम लोग एक्सरेस में देखते हैं कि मिड सैजिटल प्लेन कैसा है, ऑर्बिट ऑफ याटल लाइन कैसा है, वो मेनली वो टू थिंग्स देखते हैं. बाकी के जस्ट यू नीड टू जस्ट रिमेम्बर. ओके, दिस आर डिफरेंट लाइन्स. ऑर्थोगोनल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल प्लेन. यहाँ पे यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस एंड कैन ड्रॉ दिस. मिड सैजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी हेड इन टू टू पार्ट, राइट एंड लेफ्ट. ओके, ऑरिकुलर प्लेन इज द ईयर के सामने. ऑरिकुलर इज द ईयर, ईयर के सामने, ईयर के पीछे, दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलर प्लेन. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉरोनल प्लेन. सीजी में हम लोग कॉरोनल भी देखते हैं ना, कॉरोनल. एंड एंथ्रोगोनल प्लेन इज द एक्सियल प्लेन विच डिवाइड्स अपर एंड लोअर. ओके, सो इसमें हम लोग क्या है बोलते हैं, मिड सैजिटल लाइन इम्पोर्टेंट है. ओके, द डिवाइड्स इज द राइट एंड लेफ्ट हाफ. कैन जस्ट रीड दिस. पेशेंट टू पेशेंट, यू नो एनी एक्सरे यू हैव टू टेल द पेशेंट रिमूव ऑल द हेयर पिंस, कुछ मेटालिक हेयर चेन से कुछ भी निकाल देना. एंड यूजफुल एक्सेसरीज, एनी एक्सरे फॉर इमोबिलाइजेशन वी हैव टू मेक द सपोर्ट थिंग्स हम लोग लगा लेके मूवमेंट नहीं होने के लिए देखना है. एंड दिस इज कॉल्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रहना है, सो 100 सेंटीमीटर्स. एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम थिंग यू फॉलो, मिनिमम कोलिमेशन लगाना है, इमोबिलाइज करना है एंड सेटअप भी प्रॉपरली लगाना है. एंड गोनाडल शील्डिंग, इफ यू आर एक्सपोजिंग हेड ऑल्सो यू हैव टू गिव पेशेंट प्रोटेक्शन फॉर द गोनाड्स. ओके, एंड बेसिक व्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेडियोग्राफी में आप ये बेसिक व्यूज तो लिखना है, बिकॉज मैं ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं, मेन बेसिक व्यूज आपको यू हैव टू मेंशन एंड राइट इट इन डिटेल. वन इज लेटरल व्यू, ऑलरेडी आई टोल्ड द लेटरल व्यू में क्या क्या पार्ट्स देखते हैं वो बोल दिया. एंड ऑक्सीपिटल फ्रंटल व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड पी ए व्यू, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. पी ए में थोड़ा मॉडिफिकेशन, 15 डिग्रीज कॉर्डल एंगुलेशन करके और ट्यूब को भी 25 डिग्रीज एंगुलेशन करके थोड़ा देखे तो कॉल्डवेल व्यू. कॉल्डवेल व्यू इज मेनली वी यूज फॉर द फ्रंटल सेंस देखने के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रंट ऑक्सीपिटल व्यू. फ्रंट ऑक्सीपिटल दैट इज एपी व्यू, एंट्रेस पोस्टीरियर. उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके करे तो थोड़ा एंगुलेशन चेंज करते तो वी गेट ए टाउन्स व्यू. ओके, मेनली दिस. सो स्कल इज नॉन एंगल पी ए व्यू, कुछ भी एंगुलेशन है स्ट्रेटली वी हैव टू टच द फोरहेड टू द कैसेट, टच करना है उसको नीचे, इमेज रिसेप्टर को टच करना है. ओवरव्यू होता है इसमें एंटायर स्कल का इन्फॉर्मेशन आता है. एंड यू कैन सी द एक्सरे बीम, एक्सरे बीम शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सरे डिटेक्टर एंड इट शुड पास फ्रॉम दिस मिड सैजिटल प्लेन फ्रॉम द मियाटस टू द नेजियन, टू द नेजियन. ओके, मिड लाइन ऑर्बिट से नेजियन तक आना है, नेजियन दिस लाइन. अलाइन ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर. ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन इज द ऑर्बिट ऑफ मियाटल लाइन है ना, ये इमेज रिसेप्टर के लिए परफेक्टली परपेंडिकुलर रहना है. ओके, दैट्स इट. सो इसका इमेज ऐसा रहता है. इसमें क्या क्या आता है, ऑलरेडी टोल्ड दिस क्रिस्टा गैलाई, ये ऊपर का ये पेट्रस रिजस है एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल इन्फीरियर ऑब्लिक लाइन. एंड इसमें भी हमको ग्रेटर विंग लेसर विंग लाइंस दिखते हैं हम लोग और मैक्सिलरी साइनसेस. एंड नेक्स्ट पीए व्यू विद 15 डिग्री सीआर एंगुलेशन और 25 to 30 degrees एंगुलेशन में वी विल गेट ए कॉल्डवेल व्यू. कॉल्डवेल व्यू CALDWLL, इसको स्पेशली वी यूज फॉर द फ्रंटल साइनसेस. इसमें हम लोग वी ऑल्सो टच ये फोरहेड और नोज भी टच करना पड़ता है. इसमें फोरहेड और नोज भी क्यों बोलते हैं, इसमें द एंगुलेशन इज, ये एंगुलेशन मेनली 30 degrees 25 to 30 degrees कॉर्डली एंगुलेशन करना है एक्सरे बीम को. प्रीवियसली हम लोग फ्रॉम द मियाटस टू द नेजियन था एंगुलेशन स्ट्रेट था, इसमें थोड़ा कॉर्डल द सेम डायग्राम आई हैव गिवन दिस. ओके, इसमें विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉर्डल साइनसिस. इसमें ग्रेटर और लेसर स्विंग्स पे थोड़ा क्लियरली दिखता है इसमें, बिकॉज वी आर फोकसिंग फ्रॉम अबाउट टू डाउन. क्यों बोलते हो, नॉर्मली पीए व्यू में ऑर्बिट्स और पेट्रस बोन्स ओवरलैप होते हैं. दिस इज कॉल्ड, दिस ब्राइट वन इज द पेट्रस बोन्स. ओके, आई शो यू, दिस इज द पेट्रस बोन्स, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनल लेसर विंग ऑफ स्पिनल. ये ऑर्बिट से ओवरलैप होता एपी लिए तो. इफ यू आर टेकिंग 15-30 degrees कॉर्डली हम लोग ये ओवरलैपिंग निकाल देते, इट विल नॉट ओवरलैप.
सो देन यू विल गेट ए बेटर इमेजेस ऑफ द ग्रेटर एंड लेसर लिम्स आल्सो, ओके, उसका मेन आइडिया वो है. नेक्स्ट एपी, एपी सिमिलर टू पीएवी बट द रेस पास फ्रॉम द ऑर्बिट्स टू द मियाटस टू द इमेजिंग रिसेप्टर. एंड द सेम थिंग इफ यू आर इसका पोजीशन 30 डिग्री क्वाड्रली किया तो यू विल गेट ए टॉन्स व्यू. इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आता, मेनली यू विल गेट अ सेल्ला का इन्फॉर्मेशन मिलता, डॉर्सल सेल्ला. व्हाट वी सी इन द लेटरल व्यू वो सेल्ला और क्लियर प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन मिलता बिकॉज वी आर एंगुलेटिंग 25-30 डिग्री डाउन. एंड पेटर्स पिरामिड्स का भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता, दिस कॉल्ड पेटर्स बोन्स, ओके, दिस कॉल्ड टॉन्स व्यू. टॉन्स व्यू यू रिमेम्बर ऑलवेज थोड़ा एंगुलेशन नीचे करते हैं, इसमें पिट्यूटरी सेल्ला का इन्फॉर्मेशन और पेटर्स बोन्स का इन्फॉर्मेशन ज्यादा आता. एंड लेटरल व्यू ऑलरेडी आई टोल्ड लेटरल व्यू इज फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी मियाटस से. अब हम लोग कैसेट नीचे लगाए तो इट इज कॉल्ड राइट का नीचे है तो राइट लेटरल व्यू बोलते हैं, लेफ्ट का नीचे होता है लेफ्ट लेटरल व्यू, विच कौन सा साइड रहेगा उसका लेटरल व्यू बोलते हैं, ओके. एंड सुपाइन ये लेटरल पोजिशन में करते हैं और सुपाइन में भी वी कैन टेक द एक्सरे. लेटरल व्यू ऑलरेडी टोल्ड द फाइंडिंग्स, सेल्ला पिट्यूटरी अंडरकर प्रोसेस फ्रंटल बोन, ओके, ये सेल्ला के नीचे बोन क्लाइवस बोलते हैं इसको, वर्टिकल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सिपिटल, पैरिटल, ओके. यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर अदर व्यूज ऑल्सो, शुल्डर्स व्यूज, शुल्डर्स व्यूज इज मेनली फॉर टीएम जॉइंट, मेनली इधर जॉइंट रहता है या टीएम जॉइंट और मास्टर रेसेंस देखने के लिए, ओके. दिस कॉल्ड मेनली दिस एक साइड से निकालते इवेल्युएट टेम्पोरल एंड मैंडिबुलर बोन्स, मास्टर रेसेंस एंड इंडिवियर क्यूब, क्यूब एंगल विल बी 25 डिग्री क्वाड्रल. दिस इज कॉल्ड टीएम जॉइंट के लिए शुल्डर्स व्यू. एंड अदर थिंग इज रीच मेथड, रीच मेथड इज पैराइटो ऑर्बिटल ऑब्लिक प्रोजेक्शन. दिस ये यू कैन सी दिस इमेज, पैराइटल बोन से ऑर्बिट को दट टू ऑब्लिकली आता है. सो दैट इज देन इन दैट केस विल सी ऑल द ऑर्बिट के इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ये लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन, जो ऑप्टिक में फोरामेंट्स देख सकते हैं, ऑर्बिटल मार्जिन मेनली फॉर द ऑर्बिट. नेक्स्ट इज स्पेशियल बोन्स, स्पेशियल बोन्स एपी एंड लेटरल वी कैन डू पैराइटो एकेंसल प्रोजेक्शन. What is used mainly used for which sinuses? Any idea? अब मैं quad value बोला था, it is used for frontal sinuses. MCQ questions रहते हैं सब, quad value for frontal sinuses and what is used for? Any idea? Water का W word ऐसा रहता ना, उसको उल्टा करो तो M आता, maxillary. So it is maxillary, you can remember that way. Okay, mainly ये angle में जाता, parietal acanthal projection, it will cover this maxillary sinuses. जस्ट नोट पैरेलल सेंसर्स के लिए वो सेपरेट क्वेश्चन है.